हेलो फ्रेंड्स, अगर बिहार से हैं और बिहार से स्पेशल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपके जल्द से जल्द पहुंचे। ये है बीएसएससी आशुलिपिक्स और टंकन स्टेनोग्राफर परीक्षा 23/11/2013 का जो प्रीवियस पेपर है उसके बारे में हम बताएँगे। चलिए, पेपर है कि पहला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के नामित सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 12। और धर्म निरपेक्ष का क्या अर्थ है, तो यह है राजनीतिक सामाजिक दर्शन व्यवस्था जो एक धर्म के पक्ष का नहीं ले। चलिए, तीसरा है शून्य काल का क्या अर्थ है, जब अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श उठाया जाता है। भारत के संसद में के कौन कौन संघ हैं, तो एक है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संविधान के प्ररूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत का संविधान अस्तित्व में कब आया, 26 जनवरी 1950 को। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो ये निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। पंचायती राज कैसी व्यवस्था है, तो ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है। किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को। नक्शे और ग्लोब अंतिम विभाजक लाइनें क्या कहलाती है, तो ग्रेट कल। सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है, तो अफ्रीका में। लक्षद्वीप समूह किस प्रकार का द्वीप है, तो यह प्रबल द्वीप है और यह अरब सागर में स्थित है। काफ़ी की खेती किन पहाड़ियों के बीच होती है, तो यह सहरदी पहाड़ियों के बीच होती है। नम प्रपाती जंगल कहाँ पाए जाते हैं, सहरसा और पूर्णिया जिला में। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा बनाया जाता है, तो अमर्त्य सेन और महबूल उल हक। चलिए फ्रेंड्स, एक रुपये के नोट के सभी सिक्कों द्वारा जारी किया जाता है, ये वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। भारत में हरित क्रांति को किस नाम से भी जाना जाता है, तो बीज, खाद्य और सिंचाई क्रांति से। वैश्वीकरण से भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे कम लाभान्वित हुआ, तो हुआ कृषि। 11वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा तैयार किए गए मॉडल पर आधारित थी, तो सिंह रंजन। किस योजना में 100% साक्षरता हासिल करना शामिल किया गया है, तो वो है 12वीं योजना गोविंद सागर। सबसे बड़ी नदी निर्मित झील कौन है, वो है तिलैया। मैथन, पंचेत और कोनार बांधों को किस नदी पर बनाया गया है, तो है दामोदर नदी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क है। चलिए फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, तो है न्यूयॉर्क। यूएसए फॉल्ट लाइन्स किसने लिखा है, तो रघुराम रंजन ने। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, वो श्रीमाओ भंडारनायके, श्रीलंका से। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। लाक्स बक्स उपाधि से किस किस सुल्तान को नवाजा गया है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। चौसा युद्ध किनके बीच हुआ था, वो हिमाऊ और शेर शाह के बीच हुआ था। दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा निर्माण कराया गया, तो शाहजहाँ के द्वारा कराया गया। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद बंगाल ने अंग्रेजों की स्वतंत्रता प्रदान की गई, वो बक्सर का 1764 में। भारत में रेलवे का प्रारंभ किस श्रेय किसको जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी को जाता है 1853 में। 1857 का विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था, चर्बी वाला कारतूस। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ, 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे हुए हैं, तो है ब्रह्मी लिपि। नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया, तो हुए गुप्त वंश के द्वारा, कुमार गुप्त बनवाए थे। चलिए फ्रेंड्स, रश्मि रथी किनके द्वारा रचित ग्रंथ है, तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा। फणीश्वरनाथ रेणु क्या थे, तो एक कवि थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी हुआ था। चलिए फ्रेंड्स, दिदारगज याक्षणी किस काल की है, यह मौर्य काल की है। देश रत्न की उपाधि किसे दी गई थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। पृथ्वी तल से ऊपर नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वो घटता है। सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड, आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है, तो कमेंट बॉक्स में इसे ज़रूर दें। और वीडियो पसंद लगे तो लाइक करें और कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। और मैं आपके इस चैनल पर, मैं नया हूँ, मेरा नाम है रविंद्र प्रसाद। अगर पसंद आए तो आप कमेंट ज़रूर दें और लाइक करें और शेयर करें।